अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर लर्नर्स एज यू नो वी हैव बीन गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टफ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से स्पेसिफिकली विद कॉन्टेक्स्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्टअप्स हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से कुछ गुफ्तु की फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेन ये चीज इंतहाई जरूरी है समझना कि जब भी आप आ, किसी बिजनेस में हैं आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रहे हैं बट अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करनी है एक ओवरऑल पोजीशन या परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिस्कशन में सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दो एंगल्स से समझना होगा एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है सो द गुड न्यूज इज कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाना जान गए हैं तो आप हिस्टोरिकल भी बना सकते हैं और प्रोफॉर्मा भी बना सकते हैं बट कंसेप्चली येस देर इज अ डिफरेंस वो डिफरेंस क्या है उस पर हम बात करते हैं तो लर्नर्स जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये तो प्रिपेयर की जाती हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ सर्टन पीरियड अब वो पीरियड क्वार्टरली भी हो सकता है एनुअली भी हो सकता है तो ये जो आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि ये आपको पास्ट परफॉर्मेंस शो करती ठीक है और दूसरी चीज ये कि ये एक रिक्वायरमेंट भी है जब आप एक कंपनी चला रहे हैं तो ये आपका जो भी इसकी कंट्रोलिंग बॉडी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है वो रिक्वायर करता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें इनफैक्ट जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको ना सिर्फ इनको प्रिपेयर करना पड़ता है बल्कि इनको पब्लिक भी करना पड़ता सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझना जरूरी है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये पास्ट परफॉर्मेंस शो करती हैं ये रिक्वायर्ड हैं ये जरूरी हैं ये बनानी पड़ती हैं और ये आप कैसे बनाते हैं ये आप क्वार्टरली बेसिस पे बना सकते हैं आफ्टर एवरी थ्री मंथ्स और आप इनको एनुअल बेसिस पे भी बना सकते हैं परफॉर्मा स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बेस्ड होती हैं प्रोजेक्शंस पर पास्ट परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि प्रोजेक्शंस पर आपने कुछ फोरकास्टिंग की होती है कुछ प्रोजेक्शंस की होती हैं और आप आने वाले सालों की या आने वाले पीरियड्स की जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जब आप एक बिजनेस को चला रहे हैं तो आपको प्रोफार्मा स्टेटमेंट्स पर भी काम करना पड़ता है ताकि आप प्रोजेक्ट कर सकें कि आने वाले वक्त में जो है आप किस तरह किस तरफ आपका बिजनेस जो है वो जा सकता कंपेयरिंग विथ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड ठीक है ये रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है यह सिर्फ एक प्लानिंग टूल है ठीक है प्लानिंग टूल है आप इसको बनाते हैं अपने प्लान के लिए आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें कितने परसेंट कौन सी आइटम को सेट किया जाए टू तो अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट सो कॉन्सेप्चुअली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन आर अपकमिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कसिंग बोथ स्टेटमेंट्स की तरफ अगर हम चले तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी अहम स्टेटमेंट्स हैं जो प्रिपेयर करनी पड़ती हैं उसमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपके ऑपरेशंस को शो करती है फॉर्म के आपकी कंपनी के ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अब जरा इस बात पे आपने गौर करना है जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने इस चीज पर गौर करना है कि इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ठीक है स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम और जब आप बैलेंस शीट की बात करें तो ये पीरियड ऑफ टाइम पर नहीं बल्कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनती है इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि ओवर द पीरियड हमने ये रेवेन्यू जनरेट किया ये सेल्स की ओवर द पीरियड ये कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ी ठीक है और अल्टीमेटली हमारा यह प्रॉफिट या लॉस है जबकि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आज अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यह दिखा रही है कि आज की तारीख में हमारी कंपनी हमारी फर्म के इतने एसेट्स हैं इतनी लाइबिलिटीज हैं यह हमारी एक्विटी है ये हमारी नेटवर्थ है सो ये, so, ये जो एक डिफरेंस है ये हमेशा आपको क्लियर रहना चाहिए कि जो इनकम स्टेटमेंट है दैट इज प्रिपेयर फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम और जो बैलेंस शीट है दैट इज प्रिपेयर ऑन अ स्टेटेड पॉइंट ऑफ टाइम और बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है यह हमें कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज और एक्विटी की डिटेल्स फ्रॉम करती है और एक तीसरी अहम जो स्टेटमेंट जिस पर हम बात करेंगे वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो खास तौर पर आपके कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस को डील करती अब आप इसमें देखें कि कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इनकम की बात करेंगे उसमें हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे और उसमें हम उन एक्सपेंसेस की भी बात करेंगे जो दरअसल कैश की शक्ल में नहीं होते तो इन चीजों को अकाउंट फॉर करने के लिए फिर हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये क्या हमें दिखाती है ये हमें कैश पोजीशन दिखाती है अगेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अब ये जो हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम इसका डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बन रही है तो इट कि वो आपको दिखा रही है कि उस पूरे पीरियड में जिसके लिए वो बन रही है क्या चेंजेस हुई है रिगार्डिंग द आइटम्स मैंशन इन दैट स्टेटमेंट और जब हम कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्टेटमेंट बन रही है तो इससे मुराद ये है कि जिस वक्त वो स्टेटमेंट बन रही है उस वक्त वो आइटम्स की वर्थ क्या है अगर एसेट्स हैं तो वो कितने हैं लाइबिलिटीज हैं तो वो कितनी है नेटवर्थ क्या है कंपनी की सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी इन माइंड अब इन चीजों पर इन स्टेटमेंट्स पर हम आने वाले टॉपिक्स में मजीद बात करेंगे इनके फॉर्मेट को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें कौन कौन सी आइटम्स हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ा और समझा जाता है सो बे विद अस फॉर दी अपकमिंग टॉपिक्स